हेलो दोस्तों, मैं राजेश, आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट नई नई चीज़ों को लेके आती है, इसी तरीके से एक आया था फ्लेक्स इंजन। काफ़ी टाइम पर 4-5-6 महीने हो चुका है फ्लेक्स इंजन आया। तो फ्लेक्स इंजन क्या है? फ्लेक्स इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें आप सभी तरीके के फ्यूल को डाल के चला सकते हैं। तो नॉर्मली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम अपना फ्लेक्स इंजन लेके आए और उसका हम जो फ्यूल यूज़ करेंगे वो करेंगे इथेनॉल नाम के फ्यूल का यूज़ करेंगे, जिसकी कीमत होगी लगभग 60 से 65 रुपये प्रति लीटर। तो इसी कारण हमारा जो इंजन है उस पर भी चल सकेगा। और उसके अलावा अगर हम फ्लेक्स इंजन की बात करें तो फ्लेक्स इंजन में एक हमें ऐसा मॉड्यूल लगाना होगा, उसमें उसके थोड़े से चेंजेस करने होंगे इंजन में, तो उससे हम उसके अंदर पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम पेट्रोल प्लस एथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ हम उसके अंदर प्योर एथेनॉल का यूज़ भी कर सकते हैं गाड़ी को चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट लेके आ रही हैं। तो उसके अंदर एक पॉइंट यह आता है कि जैसे कि आपका BS6 आया था, BS6 आने के बाद जैसे गाड़ियों की वैल्यू बढ़ी थी, उसी तरीके से अगर फ्लेक्स इंजन अगर हमारे इंडिया में आता है तो उस हिसाब से इसकी कीमत भी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मॉड्यूल लगाना पड़ता है, जिसके कारण कीमत का इजाफा हो जाता है। जैसे BS6 में हुआ है तो उसी तरीके से फ्लेक्स इंजन में भी होने के चांसेस हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग में इसकी कोई वो नहीं है कि अभी आएगा ही, अभी तक तो अफवाह उड़ी हुई है कि हाँ गवर्नमेंट चाहती है कि हम फ्लेक्स इंजन का यूज़ करें, और फ्लेक्स इंजन के कारण हमारी जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए चाह रही है गवर्नमेंट की जल्द से जल्द कंपनी उस चीज़ों के ऊपर काम करे और हमारे इंडिया के अंदर कारों के अंदर फ्लेक्स इंजन लेके आए, पॉल्यूशन कम हो। फ्लेक्स इंजन आने से हमें क्या फ़ायदा होगा? फ्लेक्स इंजन आने से हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि भैया जो इंजन का जो फ्यूल का जो प्राइस है, जो फ्लेक्स फ्यूल आने वाला, जो एथेनॉल आने वाला है या एथेनॉल प्लस पेट्रोल आने वाला है, उसकी जो प्राइस है लगभग घट जाएगी। और जो प्राइस आने वाली है वो आने वाली 60 से 65 रुपीज़ पर लीटर आने वाली है, जिससे अगर हमारा जो पैसा है लगभग 30 से 40 रुपये हमारा बच जाएगा। और उसके अलावा पॉल्यूशन भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और जीवाश्म ईंधन भी घटेगा, यानी जीवाश्म ईंधन जो हमारा पेट्रोल जहाँ से हमें मिलता है, डीजल हमें जहाँ से मिलता है, तो हमें बचेगा और हम थोड़ा एथेनॉल की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कारण पॉल्यूशन कम होगा। तो ये चाहती है कि भैया बस फायदा यही है कि आपका पैसा बचेगा और साथ साथ आपका प्रदूषण कम होगा, लेकिन कार की प्राइजेस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ऐसे सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कार की प्राइस बढ़ना, जैसे BS6 में बढ़ी थी। तो क्या अभी भी हमारे इंडिया के अंदर एथेनॉल मिल रहा है? हाँ, कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लगभग 0 से 5% तक एथेनॉल का यूज़ किया जाता है पेट्रोल के अंदर, और कोई ऐसे राज्य भी हैं जिसमें 20% तक एथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है। और गवर्नमेंट चाह रही है कि आने वाले 2 साल में हम पेट्रोल के अंदर कम से कम 20% तक का एथेनॉल यूज़ करें, और आने वाले कुछ सालों में सोच रही है सरकार की भैया 100% तक हम एथेनॉल के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो जिससे हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमारे पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, प्रदूषण कम हो जाएगा, यानी पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और एक बात ये आती है कि क्या हमारी कार की प्राइसेस बढ़ जाएंगी? हाँ भैया, अगर आपका फ्लेक्स इंजन आता है तो हमारी कार की प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे BS4 से BS6 आने में हमारी कार की प्राइसेस बढ़ी थी, उसी तरीके से हमारे फ्लेक्स इंजन आने के बाद भी कार की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और फ्लेक्स इंजन का फायदा ये होगा कि हम उसके अंदर हम पेट्रोल, प्योर पेट्रोल का भी यूज़ कर पाएंगे, और साथ साथ हम पेट्रोल प्लस एथेनॉल का भी यूज़ कर पाएंगे, और साथ में हम प्योर एथेनॉल 100% एथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं उस इंजन के अंदर। तो फायदे बहुत सारे हैं, थोड़ा सा नुकसान ये है हमारे लिए कि हमें उसके लिए थोड़ी सी कीमत ज़्यादा चुकानी होगी फ्लेक्स इंजन के लिए। तो बस इतना याद रखिएगा, फ्लेक्स इंजन में हम फ्लेक्स फ्यूल का यूज़ करेंगे, यानी पेट्रोल का यूज़ भी कर सकते हैं हम, चाहे तो पेट्रोल प्लस एथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम 100% प्योर एथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण हमें पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। तो और कुछ नहीं है, बस कार के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। अगर ये आते कि गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया आप जल्द से जल्द 3-4 महीने आप इसको अल्टरनेट में लाओ, बनाओ ऐसी गाड़ियाँ, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मैं मिलूंगा और किसी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय, नमस्ते।